बंदर मियाँ खा रहे हैं भुट्टा, अंकल जी बड़े प्यार से खिला रहे हैं, खाओ खाओ खाओ, देखो बड़े प्यार से खा रहे भुट्टा। हम रुक गए हैं मसूरी रोड पे, यहाँ पे बहुत ही फेमस एक भुट्टे की दुकान है, बहुत सारी बहुत सारे लोग यहीं पे रुकते हैं और काफ़ी पुरानी शॉप है, हम काफ़ी टाइम से आते हैं तो ये यहाँ पे बहुत फेमस है। दो तीन टाइप के हैं, बहुत सारे यहाँ पे भुट्टे मिलते हैं। हाँ ये बताओ अंकल, ये दुकान कितनी साल पुरानी है आपकी? 26-27 साल पुरानी। सब और क्या क्या वैरायटी है आपके पास? हमारे पास वैरायटी तो बहुत सारी, लेकिन फिलहाल जो है हम भुना भुट्टा, बॉल भुट्टा और जो ग्लास वाला कौन है वो देते हैं। अच्छा, और ये 26-27 साल पुरानी दुकान है ये। और ये भुट्टे आप यहीं लोकल हैं या बाहर से मंगवाते हैं? ये सूरत, गुजरात, अहमदाबाद, महाराष्ट्र, हैदराबाद, पुणे से आता। अच्छा, अभी यहाँ पर हम 2 रुपये का भुट्टा बेचते थे। अच्छा, तब से और आज तब के रेट में और आज के रेट में बहुत फर्क आ गया। उस समय हम 2 रुपये में ज़्यादा कमाते थे, लेकिन आज जो है 50 रुपये बेचने के बाद भी उतना नहीं कमा पाते, क्योंकि रेट वहीं से महंगे। तो है अंकल की 26-27 साल पुरानी दुकान, और कैसा भुट्टा? बहुत बढ़िया, मीठा हो रहा है, मीठा भुट्टा हो रहा है। और हमने 2 भुने हुए भुट्टे ऑर्डर करे हैं और 2 बॉयल, कप में भी देते हैं, अगर आपको पूरा भुट्टा चाहिए वो भी देते हैं। सबसे अच्छी बात है ये भट्टी में, ये इस तरह से भट्टी में कोई गैस का यूज़ नहीं है, भट्टी में यूज़ कर रहे हैं। तो इस पर कुछ फ़र्क होता है कि भट्टी वाला और विदाउट गैस के साथ, कोई तेज पे फ़र्क आता है? इसमें पहले हमारा गैस ज़्यादा लगता था, इस कारण जो हमने गैस बचा करके। तो टेस्ट किस में, गैस वाले में ज़्यादा आते हैं या कुछ वाले में? कोयले वाला। कोयले वाला, तो कोयले वाला है। अच्छा, एक इस तरीके से ये खिलाते हैं, ये बिल्कुल एक अच्छा और अच्छा एक हेल्दी फूड है। अगर आप रास्ते पे जा रहे हो तो ये है मसूरी रोड पे, आप ज़रूर खाएं। अच्छा, एक एम्बियंस है इस तरीके का, इस तरीके की छोटी सी शॉप। किलोमीटर बचा है अभी मसूरी पहुंचने में। सबसे अच्छी बात है हमने देहरादून रोड से सीएनजी बना रही है और अभी हम सीएनजी पे चल रहे हैं। वैसे चल जाती है गाड़ी, ऐसी बात नहीं कि पहाड़ों पे सीएनजी नहीं चढ़ती, फिलहाल तो चल रही है। अब देखते हैं कि कितना चढ़ पाती है, अगर नहीं चढ़ेगी तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे वापस पेट्रोल में। देख सकते हैं कि आप मसूरी देखिए दूर से, अच्छा एक व्यू मिल रहा है। हम धनौल्टी पहुंचने वाले हैं, अभी 20 किलोमीटर आ गए रास्ते पे। थोड़ा सा हम चाय वगैरह और चिप्स वगैरह ले रहे थे, बच्चों को भूख लग रही थी। फिलहाल अभी हम रुके हुए हैं, हमारे फ्रेंड्स भी अब हमारे साथ आ गए हैं। भाई कितना दूर और है? बस 10 किलोमीटर और है। 10 किलोमीटर मामा जी। हाँ जी, मज़ा आ रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। आप मरने की इच्छा हो रही है? मरने की इच्छा हो रही है, देखो बकवास कर रहे हैं, पहाड़ों में चल रहे और उल्टी बात। फिलहाल 20 किलोमीटर का सफ़र और उसके बाद हम पहुंचेंगे सीधा धनौल्टी। मौसम अच्छा है, वेदर अच्छा है, लगता है कि फॉग तो ज़रूर मिलेगी क्योंकि पूरी धुंध पीछे मिल सकती है, यहाँ से दूर से अगर देख सके या मिल सके व्यू। फिलहाल 10-15 किलोमीटर और है। हम पहुंच गए इको पार्क जो कि धनौल्टी में है, 50-60 किलोमीटर है देहरादून से। तो इस तरह का व्यू है, बच्चों के खेलने के लिए गेम्स हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऊपर रोप टाइप का है कुछ अगर बच्चे करना चाहते हैं, हॉर्सेज हैं यहाँ पे। यहाँ पे टिकट कितने की है? यहाँ पर टिकट है 50 रुपीज़ की और बच्चों की है 25 की। तो बड़ों की 50 रुपये की और बच्चों की 25 रुपये की, ऐसा कुछ है कि 10 साल 8 साल कुछ एज का इसमें कोई डिस्क्रिप्शन? बिलो 7 ईयर नहीं, 3 से 9 वर्ष। 3 से 9 वर्ष के लिए 30 रुपीज़ या 25 रुपीज़। 3 से 9 साल के लिए 25, उससे ऊपर अगर होगा तो 50 रुपये। एक अच्छा इको फ्रेंडली पार्क है, नीचे हॉर्सेस भी हैं और एक और यहाँ पे थोड़े बहुत इको वन विभाग मसूरी लिखा हुआ है। यहाँ पे थोड़े बहुत बर्ड्स भी हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए है, यहाँ पे थोड़े से एक्टिविटी है, थोड़ा ऊपर जाएंगे थोड़ा एक्टिविटी और दिखाएंगे। और नीचे मार्केट है,
जब हम थोड़ा कुछ खाने जाएंगे तो नीचे ले चलेंगे, इस तरह का मार्केट दिखेगा। थोड़ा सा यहाँ पे एक रोप गेम है जिसमें 100 रुपये देके आप एक ब्रिज को दूसरे ब्रिज से पार कर सकते हो। उसमें आपको सेफ्टी बेल्ट पहनाई जाएगी और ज़्यादा ठीक है, अगर जो बर्फ़ पड़ी हो तो मज़ा आता है खेलने में। फ़िलहाल बर्फ़ नहीं पड़ी इसलिए थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है। टेम्परेचर भी सही है, वेदर भी सही है, सब कुछ सही है और फिलहाल झूल रहे हैं ऐसे। भैया ठंड लग रही है? नहीं, नहीं लग रही। भैया यहाँ ठंड तो बहुत है, टॉप पे हैं हम और ठंड लग रही है, हवा भी बहुत चल रही है। ये देखो कंचन, ठंड कितनी लग रही है तुम्हें? बहुत। मामा जी ठंड तो है, ठंड बहुत है, है ना? ठंड बहुत है, टॉप पे है। थोड़ी सांस फूलेगी, जिनको आदत नहीं है चलने की उनके लिए थोड़ा सा सांस टूटेगी। रेस्ट करने के लिए बीच में छोटे छोटे सेटिंग अरेंजमेंट करे हुए हैं, रास्ते में गिंडे लगा रखे हैं और उन्हें पहाड़ी में गिंडे कहते हैं जैसे मामा जी का कहना है। बट फिलहाल नीचे से ऊपर आएंगे तो थोड़ा सांस चढ़ेगी, तो आप रुक जाइएगा, एकदम से मत चलिएगा। मैगी कैसी है बच्चों? अच्छी है। कैसी है मैगी? अच्छी। मैगी कैसी हो रही है? बहुत बढ़िया। कैसी हो रही है मैगी? शानदार, जबरदस्त। कंचन तो कुछ ज़्यादा बोलती नहीं है, शायद नेचर की है थोड़ी। बिल्कुल। ओहो, तो यहाँ पे जैसे बताया कि मैगी, बन बटर, बॉयल्ड एग्स, चाय, पानी और कुछ ज़्यादा है नहीं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। बस छोटी सी मार्केट है स्नैक्स के लिए, सभी लोग यही खा रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। ये देखिए यहाँ पे आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। कैसा लग रहा है भाई? कैसा लग रहा है टुकू? भैया ये बताइए कितने का है ये चक्कर? कितने का चक्कर है? 100 रुपये। और कितने चक्कर लगाते? आधा किलोमीटर आना जाने का, आधा किलोमीटर। और ये बताइए कि यहाँ पे बर्फ कब पड़ रही है भैया? बर्फ कब पड़ेगी? बर्फ नहीं पड़े सर, अभी बर्फ नहीं पड़ेगी इतना ही। ये बताइए ये पूरी तरीके से घोड़ा तो नहीं लग रहा, मतलब छोटा सर? पहाड़ में खच्चर होता है, ये छोटा खच्चर है। अच्छा, और हम कम रखते हैं ना। हाँ हाँ, घोड़े से कि मतलब रख जाए, लोगों के बच्चे हैं। हाँ, ये नॉर्मल है, बस धीरे चलते हैं, बस पूरी एंजॉय हो गई बच्चा। अच्छा, भैया का कहने का मतलब है जो बड़े वाले घोड़े होते हैं वो यहाँ नहीं रखते, क्योंकि बच्चों को घुमाना होता है तो इधर उधर ना भग जाए, भिदक ना जाए, तो इसलिए छोटे घोड़े इजी इनको टैकल कर, ये नॉर्मल होता है, इजी इनको टैकल करा जा सकता है, है ना? यही है ना? बिल्कुल यही है। तो मजा आ रहा है, कैसा लग रहा है बच्चों? संकल्प, संकल्प कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल गुड। और भैया आप इनको कोई ट्रेनिंग भी देते हैं क्या? दिया सर, ट्रेनिंग देते हैं आप इसे? घोड़े की शिक्षा मतलब साल भर तक ट्रेनिंग किया जाते हैं। हाँ हाँ, तब इसके बाद सवारी उठाना। हाँ, पूरे बच्चों को घुमाना फिराने का। तो पूरे साल भर आप टूरिस्ट पे ही डिपेंड करते हैं? हाँ जी, हाँ जी भाई। और जब टूरिस्ट नहीं आते तो आप लोग क्या करते हो? तब सर अपनी घर में खेती है। हाँ हाँ, मैं तो आलू गोभी मटर वैसे काम करते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो बेसिकली इनका जो सीजन, जब ऑफ सीजन ऑफ होता है 12 महीने में? हाँ, 12 महीने का सर। आजकल तो जब बर्फ़ नहीं पड़ी तो 12 महीने चल रहा है, पर जब बर्फ़ पड़ जाती तब बंद हो जाता है ना। और यहाँ पे सबसे अच्छा सीज़न आने का कौन सा है? वो सर मई जून में। मई जून में? मई जून से चलेगा। मई जून से कब तक? मई और जून जुलाई तक सर, बस। सबसे अच्छा सीजन मई जून जुलाई है? हाँ जी, 3 महीने बस। 3 महीने, उसके बाद आप घर चले आते हो, खेती करते हो? उसके बाद काम है, तो रहते तो काम चलेगा। तो 3 महीना यहाँ पे सबसे अच्छा यहाँ पे घूमने का है, मई जून जुलाई। पार्क है और इको पार्क है यहाँ पे, तो यहीं पर मिल जाते हैं 100 रुपये की सवारी। बीनू कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत बढ़िया, बहुत ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। 60 डिग्री टेम्परेचर है अभी, हमने देखिए दो दो जैकेट पहनी हुई है, तब भी बहुत ज़्यादा। अभी हमने ऑनलाइन चेक किया था तो 60 डिग्री का टेम्परेचर है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है, ठंड बहुत है। और फिलहाल यहाँ पे स्वच्छता अभियान भी है, टॉयलेट भी बनाए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पहाड़ों में आप कहीं पे भी कर लें, तो टॉयलेट भी बनाया हुआ है।
फिलहाल हम धनौटी को कर रहे हैं बाय बाय और हम निकल रहे हैं मसूरी, क्योंकि बर्फ़ पड़ी नहीं तो बच्चे ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाए। फिलहाल मसूरी निकल रहे हैं, वहाँ पे माल रोड जाएंगे। अगर कुछ प्रोग्राम में तब्दीली हुई या कुछ चेंज हुआ तो वो तो आपको वीडियो में पता चली जाएगा। फिलहाल धनौटी को बाय बाय।